Hey guys, this is Kunal and welcome to my new blue kitchen. जी हाँ, नीली किचन है मेरी, मुझे पसंद है इसलिए नीले रंग की कर दी। और आज हमारी इस किचन के अंदर हम बनाएंगे पनीर की एक डिश ना। पनीर की काफ़ी सारी डिशेज हैं, लेकिन आज की जो डिश है वो साउथ ऑफ इंडिया से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट वहाँ की एक क्लासिक मैंगलोरियन डिश है घी रोस्ट चिकन, लेकिन हम चिकन की जगह पनीर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बनाएंगे घी रोस्ट पनीर, जिसके अंदर वहाँ की लोकल बेडगी चिल्ली का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास बेडगी चिल्ली नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का फ्लेवर और पंजेंसी ऑलमोस्ट सेम है, बनाने में आसान है और इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। शुरू करते हैं घी रोस्ट पनीर। देखिए, जो घी रोस्ट पनीर है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घी रोस्ट मसाला, और उस मसाले की जो जान है वो है ये, इसे कहते हैं बेडगी चिल्ली। और ये जो बेडगी चिल्ली है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च से काफ़ी मिलती जुलती है। इनफैक्ट राजस्थान की मथनिया चिली, अगर वो भी आपके पास है इस रेसिपी में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बेडगी चिली मिलेगी, दैट्स द बेस्ट, और बहुत आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन तो डेफिनेटली मिलेगी। तो मसाला बनाने के लिए हमें इस चिली को ड्राई रोस्ट करना है। नाउ ड्राई रोस्ट कलर देने के लिए नहीं करना, जस्ट सो दैट कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना वो रिड्यूस हो जाए, ताकि जब हम इसे पीसें, इसका मसाला बनाए, तो बढ़िया तरीके से ये तैयार हो जाए। सो जस्ट अ कपल ऑफ देम। और हाँ, जो बेडगी चिली है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, सो डोंट वरी, थोड़ी सी और भी चिली डाल देंगे, इट्स परफेक्टली ओके। जब तक ये चिली हल्की सी रोस्ट हो रही है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर मिर्ची की जो तीखापन है उसे मापना हो तो उसका यूनिट जो होता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, और जिनको नहीं पता आंसर, वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा शॉट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यूनिट है और किस इंसान ने इस यूनिट का इजाद किया था। और यूनिट का मतलब है कि मतलब इस मिर्ची में कितना तीखापन है, फलानी मिर्ची में कितना तीखापन है, ये मेजर किया जाता है। मिर्ची हल्की सी ड्राई रोस्ट हो गई है। अब हम लेंगे थोड़े से मसाले, ये है पेपरकॉर्न, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा और सौंफ। जी हाँ, सौंफ बढ़िया फ्लेवर आता है। साउथ के अंदर पेपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब चिल्ली तो बहुत बाद में आई, पेपर तो खाने में कब से है, सो पेपर का इस्तेमाल होता है। एट द सेम टाइम घी रोस्ट जो हमारी डिश है वो आती है कुंदापुर से। कुंदापुर एक कोस्टल टाउन है कर्नाटका में, और ये एक मैंगलोरियन डेलिकेसी है। आप चाहे तो इसके अंदर पनीर जैसे मैंने डाला, आप सब्जियां भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, आप सी फूड भी डाल सकते हैं। इट्स वेरी वर्सेटाइल, यू नो। सौंफ और धनिया, इसकी जो खुशबू है ना, बहुत ही बढ़िया। अगेन लाइटली टोस्ट करना है, रोस्ट नहीं करना। टोस्टिंग मतलब हल्का गर्म करना है ताकि उसका मॉइस्चर सूख जाए और पिसने में आसानी हो, दैट्स इट। देयर यू गो। अब इसको आप नोटिस करेंगे मैंने फैला लिया एक प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए और हम इसे आराम से पीस सकें। चलिए, ये गई चिली और ये मसाला। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी अदरक। इसमें हम डालेंगे थोड़ा इमली का पानी, देयर यू गो। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, जस्ट सो दैट एक अच्छी थिक पेस्ट बन जाए। इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। एंड दिस इज डन। नाउ लेट मी शो यू, इसकी जो पेस्ट बनी है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसे थोड़ा दरदरा रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे एब्सोल्युटली फाइन प्यूरे भी कर सकते हैं। बढ़िया, नाइस, स्मूथ। क्या खुशबू आ रही है, वाह टू गुड, मुँह में पानी आ रहा। ऑलराइट, अब तक सिंपल मसाला बनाया, अब हम एक अनियन को चॉप करेंगे। There you go. गैस को करेंगे ऑन। नाउ घी रोस्ट है तो मसाले की जो रोस्टिंग है वो बिल्कुल सही घी में ही होगी। ये रहा हमारा देसी घी। सो द पैन, लेट द घी मेल्ट। घी मेल्ट हो गया, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, ऑल ऑफ इट। घी के अंदर कुछ भी भुन जाए बढ़िया लगता है। घी और प्याज, यम। नाउ इफ यू सी, ब्राउन नहीं हुए, जरा से ट्रांसपेरेंट हुए, मतलब ट्रांसलूसेंट हुए, दैट्स इट। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये घी रोस्ट का मसाला। और अब इस मसाले की भुनाई होगी। देखिए जितना इसको हम भुनेंगे ना उतना अच्छा वेल राउंडेड फ्लेवर आएगा खाने के अंदर। तो बेसिकली चिली और मसाले हैं, हल्की सी भुनाई के बाद बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ये रिलीज़ करेंगे। थोड़े से छींटे भी आएंगी। इसको भुनने में लगेंगे 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। जब तक ये भुनकर तैयार होता है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि घी रोस्ट पनीर बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए घी रोस्ट मसाला जो है एक मैंगलोरियन मसाला है, और इसके अंदर आप चाहें तो पनीर, चिकन या कोई भी सब्जी का इस्तेमाल या फिर सी फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी रोस्ट मसाला के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी चिली। पहली बात, चिली बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, चिली का रंग जो है बढ़िया लाल रंग होना चाहिए। अब घी रोस्ट मसाला जब आप बनाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चिली या फिर काली मिर्च या फिर हरी मिर्च डाल सकते हैं, वो आपके हाथ में है। इस डिश को बनाते वक्त क्योंकि आप चिलीज को हैंडल कर रहे हैं, मेक श्योर कि चिलीज को हैंडल करने के बाद आप अपने हाथ अच्छी तरीके से धोइए, क्योंकि वही हाथ अगर आपके फेस पे लगेंगे या आईज उससे आपने रब की तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। घी रोस्ट पनीर बनाते वक्त पनीर को हमें ढंग से हल्की आंच पर फ्राई करना है, और याद रहे पनीर को अगर हम ज़्यादा स्टर करेंगे तो वो टूट सकता है। आप चाहें तो पनीर को पहले से 1-2 घंटा पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैरिनेशन में आप डाल सकते हैं सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, विच इज़ ऑप्शनल, लेकिन एक अच्छा फ्लेवर देता है, सो आप डेफिनेटली उसे मैरिनेट कीजिए। मसाले को भूनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए स्लो आंच पर उसे आराम से तसल्ली से भूने जब तक कि घी ऊपर नहीं आ जाता, मतलब मसाला नहीं छोड़ देता तब तक। एक बार आपने घी रोस्ट मसाला तैयार कर लिया, उस मसाले को आप ठंडा करके डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। ऐसा करने से 3 से 4 हफ्ते तक आप घी रोस्ट की कोई भी डिश बना सकते हैं। वहीं पर घी रोस्ट पनीर एक बार तैयार हो जाता है, मैक्सिमम 2 to 3 डेज आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। और हाँ, इस 2 से 3 दिन के दौरान जो डिश है उसे फ्रिज में होना ज़रूरी है। मेरी जो रेसिपी है एक बहुत ही बेसिक रेसिपी है, इसके अंदर इनोवेशन की बहुत गुंजाइश है। एक बार आपका घी रोस्ट मसाला बन गया, उसके अंदर आप थोड़ी सी टोमेटो केचप डालकर उसे एज अ डिपिंग सॉस भी सर्व कर सकते हैं अपने अलग अलग स्नैक्स के साथ। इसी घी रोस्ट मसाला के अंदर अगर आप थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल देंगे तो एक अच्छी करी बन जाएगी। हालांकि वो क्लासिक नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग करी बन सकती है, जिसके अंदर आप सब्जी या फिर कोई भी नॉनवेज डालकर पका सकते हैं। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ऑलराइट, लुक एट दिस, इसने अपना घी छोड़ दिया, मसाला तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे दही। हाई हीट पे इसमें जाएगी थोड़ी सी दही। देखिए दही डालने से क्या होता है, एक तो इसका जो रंग है, जो गाढ़ा रंग हो रहा है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। एट द सेम टाइम दही की अपनी खट्टास होती है, तो बैलेंस करती है मसालों को। यू नो, कहते हैं ना कि कोई स्पाइसी मील के साथ दही खाना चाहिए। सेम प्रिंसिपल, जब करीज बनती हैं तो दही का भी वही रोल होता है स्पाइसेस की जो हीट होती है उसे बैलेंस करने के लिए। इसमें हम डालेंगे नमक और इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है और ये मसाला तैयार हो रहा है हम पनीर को भून लेंगे। पनीर को भूनने के लिए हम लेंगे एक पैन, उसमें जाएगा घी, पनीर के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। घी के अंदर हम इसे पनीर को थोड़ा सा जिसे कहते हैं शैलो फ्राई वो करेंगे। पनीर को थोड़ा पकाने से होगा क्या कि पनीर के अंदर एक तो फ्लेवर आएगा, दूसरा पनीर सॉफ्ट हो जाएगा और तीसरा मसाले के अंदर जब आप ये डालेंगे वो टूटेगा नहीं, है ना फायदे की बात। नाउ जस्ट टर्न इट अराउंड। एक तरफ पक गया, दूसरी तरफ थोड़ा सा और। 2 मिनट में पनीर हमारा तैयार हो जाएगा। पनीर तैयार है और ये जाएगा सीधा मसाला में। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है गुड़। जी हाँ, ज़रा सा मीठा, मतलब हमें इसे मीठा मीठा नहीं करना लेकिन हल्की सी मिठास मसालों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है। सो ये रहा थोड़ा सा गुड़ ऐसा हुआ। देखिए इसे आराम से आपको पलटना है ताकि पनीर टूटे ना। एट द सेम टाइम जो घी रोस्ट पनीर है वो एक लटपटी डिश है, उसका मसाला थिक होता है। अगर आपको थोड़ा सा पतला करना है आप ज़रा सा पानी डाल सकते हैं, लाइक अ जस्ट अ डैश ऑफ वाटर। देयर यू गो, टॉस इट। बहुत ही बढ़िया भीनी खुशबू, गर्मा गर्म फुलके के साथ हमारा ये घी रोस्ट पनीर बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए इसे प्लेट करते हैं, ये तैयार है। भाई हमारा घी रोस्ट पनीर तैयार है। इसके साथ मलाबार पराठा इज अ मस्ट और उसकी रेसिपी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। और डेफिनेटली एक बार तो इसे घर पर ट्राई कीजिएगा, एवरीबडी विल लव इट। और हाँ, दिखता बहुत स्पाइसी है नहीं, ये इसकी खासियत है। हमारा घी रोस्ट पनीर डन। मिर्ची जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पाइस है इंडियन किचन के अंदर, लेकिन जो लाल मिर्च है या हरी मिर्च है ये काफ़ी नई है इंडियन क्यूजीन के लिए। जी हाँ, इनफैक्ट कहा जाता है कि पोर्चुगीज़ के साथ मिर्ची आई, तब तक हिंदुस्तान के अंदर लाल मिर्च ना इस्तेमाल करके काली मिर्च या फिर पिपली जो लॉन्ग पेपर कहते हैं उसका इस्तेमाल होता था। और जब मिर्ची आई ऑब्वियसली जो काली मिर्च थी उसे कहते थे ब्लैक गोल्ड, बिकॉज वो सोने के भाव बिकता था। तो लोकल्स ने क्या किया कि भाई उसको ट्रेड करना शुरू किया, जैसे पोर्चुगीज़ के साथ किया, डच के साथ किया, इंग्लिश के साथ किया, अरब्स के साथ किया। और विद सम टाइम हुआ क्या कि मिर्ची जो थी, जो हरी मिर्च और लाल मिर्च है वो काफ़ी सस्ती थी कि भाई उगा दिया, खूब सारी ढेर सारी उगती है, सस्ती पड़ती है, तो धीरे धीरे उसका इस्तेमाल हुआ खाने में। और काली मिर्च को भी इस्तेमाल करते थे लेकिन उसका इस्तेमाल कम हुआ, ट्रेड में हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया। वहीं पर मिर्ची जो है उसका तीखापन जो है हर मिर्च का अलग होता है, कई बड़ी माइल्ड होती है, कई बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। जो यूनिट होता है मिर्ची के तीखेपन को मेजर करने के लिए उसे कहते हैं हम स्कोवियल हीट यूनिट्स। जी हाँ, और ये जो स्कोवियल हीट यूनिट्स जो है इसका जो पूरा इजाद किया था, डिस्कवर किया था वो थे मिस्टर विल्बर स्कोविल। उन्हीं के नाम पर स्कोविल हीट या स्कोविल हीट यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो एक नॉर्मल हरी मिर्च है हमारे हिंदुस्तान में, उसकी 1000 से 1500, 2000, 2500 तक स्कोविल हीट यूनिट्स होते हैं, मतलब इतनी वो तीखी होती है। वहीं पर दुनिया की सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च, जिसका नाम है कैरोलिना रीपर, उसके अंदर होते हैं 2.2 मिलियन स्कोविल यूनिट्स। मतलब कहाँ 2000 स्कोविल यूनिट्स हरी मिर्च में, वहीं पर 22 लाख स्कोविल यूनिट्स कैरोलिना रीपर के अंदर। इतना फ़र्क है। और भूत जोलकिया, जो हिंदुस्तान की एक पॉपुलर स्पाइसी मिर्च है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी मिलती है, उसकी जो हीट है वो है करीबन 1 मिलियन, मतलब 10 लाख स्कोविल यूनिट्स, जो काफ़ी स्पाइसी होती है। इन मिर्ची का इस्तेमाल खाने में तो होता ही है, एट द सेम टाइम वेपन्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, मिर्ची का इस्तेमाल जैसे पेपर स्प्रे होता है, वैसे ही जैसे क्राउड्स को डिस्पर्स करने के लिए मिर्ची का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो कैप्सिन होता है, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, जो स्पाइसीनेस देता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। एट द सेम टाइम अलग अलग मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। मिर्ची काफ़ी तीखी होती है, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है कितना खाना कितना नहीं खाना, बट बियॉन्ड स्पाइसीनेस मिर्ची के अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। अब कितनी मिर्ची चाहिए वो आपके हाथ में है।